जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करके आ रहे हैं, ताकि हृदय की तैयारी के साथ हम आपके उपस्थिति में बैठें और आपके पवित्र वचनों को ध्यान से सुने। जो बात आप हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा के लिए दे रहे हैं, वो हमारी आत्मा में हम ग्रहण करने पाए, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी उस महिमा को प्रकट करे जो आपकी उपस्थिति में आपके साथ एक आत्मा होने के द्वारा जो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है, वो महिमा प्रकट हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु है। और कभी आपने सोचा है, जैसा कि हम लोग अभी परमेश्वर के वचन के प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन, इस अध्ययन को आप कैसे समझेंगे जब तक कि आप परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, पहली चीज आपका हृदय परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हो। जब आप क्लासरूम में बैठे और आपका मन पढ़ाई में ना लगे, तो टीचर बता तो सब कुछ रहा है लेकिन आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका मन नहीं, आपका हृदय तैयार नहीं है। ये मत सोचिए कि आप कान से सुनते हैं, सुनने के लिए हृदय केंद्रित करना पड़ता है तब आप किसी बात को सुनते हैं। आपने परमेश्वर के वचन को किन किन लोगों से सुना और जिन लोगों से सुना उनके जीवन में उस वचन का प्रभाव आपको दिखाई दिया? अगर नहीं दिखाई दिया तो आपने जो वचन उनके द्वारा सुना वो आपके जीवन में कभी भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि जिनसे आपको मिला उनका जीवन प्रभावहीन था, तो आपका जीवन प्रभावहीन होगा। उसका कारण यह है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनके जीवन में नहीं था, तो वो आपके जीवन में भी नहीं होगा। जो बोगे वही काटोगे और जिस क्वालिटी में बोगे उसी क्वालिटी में काटोगे, और बिना क्वालिटी के बोगे तो बिना क्वालिटी के काटोगे। ये है सिद्धांत। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम से, पुराने झूठे भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं के विषय में खुल, यानी भविष्यवक्ताओं के द्वारा इतना बताया कि सारी भविष्यवाणी की किताबें भरी पड़ी। झूठी शिक्षा, झूठे तरीकों से परमेश्वर के वचन को तोड़ना, मरोड़ना और लोगों के सामने रखना, और जिन लोगों ने उन तोड़े मरोड़े वचनों को ग्रहण किया, यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो वो उसको क्यों नहीं पहचान सके। फिर नए नियम में इस बात को बोला गया कि जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम में, यानी कलीसिया में, झूठे उपदेशक होंगे। उनका जो, उनके द्वारा जो आपके माइंड में एक बार वचन बैठ जाएगा, जो इंटरप्रिटेशन, वो आपको अंधेरे में ही रहेगा, आप कभी भी रोशनी में नहीं आएंगे। आप कहेंगे मैं मसीह में हूं, लेकिन जो वचन आप, जिस अर्थ को अपने दिमाग में रखे हुए हैं वो गलत है, तो आप मसीह में नहीं है, आप भ्रम में है, कंफ्यूजन में है। इसी विषय को आज हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल के बारे में इतनी अलग अलग मान्यताएं या शिक्षाएं या धारणाएं क्यों है? एक ही पुस्तक है, लेकिन हर व्यक्ति अपने चश्मे से पढ़ रहा। मैंने आपको इस चीज को बताया था, आज उसी चश्मे के बारे में हम लोग थोड़ा सा और अधिक जानेंगे। ऐसा क्यों है कि एक दूसरे के विरोधाभासी विश्वास रखने वाले दो लोगों के पास ये बताने के लिए एक ही धर्म ग्रंथ है कि वे जो विश्वास करते हैं वो क्यों करते हैं? ये एक ही पुस्तक है और दो लोग हैं,
एक कह रहा है कि हम विश्वास क्यों करते हैं इस पर, दूसरा कह रहा है हम क्यों करते हैं। क्या बाइबल दो विश्वास के बारे में बात करती है? लेकिन बाइबल में सच्चाई पूछिए तो दो प्रकार के नहीं, कई प्रकार के विश्वास बताती है। कई प्रकार के विश्वास, आपने कौन सा विश्वास किया ये डिपेंड करता है कि आपने किसके नजरिए से बाइबल को पढ़ा और सुना और समझा है। अब आ गया नजरिया, यही चश्मा है, दृष्टिकोण। जिसके दृष्टिकोण से आप बाइबल को देखेंगे, आपको लगेगा बाइबल उसी ने लिखी है। हम आपको इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, सीएनआई के चश्मे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाइबल सीएनआई के किसी व्यक्ति ने लिखी है। मेथोडिस्ट के चश्मे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाइबल मेथोडिस्ट वाले ने लिखी है। आप और भी जितने डिनोमिनेशन है, आप किसी भी डिनोमिनेशन के नजरिए से आप बाइबल को, आप उनके यहां चले जाइए, आप उनकी शिक्षाओं में जाइए, आपको वही नजरिया बाइबल में मिलेगा और आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यही सही है। अगर ये सब सही है तो गलत कौन है? और अगर ये सब सही है तो रोशनी कहां है? वेयर इज द डिवाइन लाइट? प्रमाण कहां है? लाइट इज द प्रूफ। प्रमाण क्या है? ज्योति। अगर ज्योति नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये भ्रम है, भ्रम में फंस गए। हम सभी के पास इस बात के कुछ कारण होते हैं कि हम जो विश्वास करते हैं उस पर विश्वास क्यों करते हैं, और कभी कभी ये जानना कठिन होता है कि क्या सच है। आज कलीसियाओं के साथ समस्या ये नहीं है कि हमारे विश्वासों के लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का अभाव है, बल्कि ये है कि हमारे विश्वासों के लिए पवित्र शास्त्र की गलत व्याख्या की जाती है। फॉल्स इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या। अब इस चीज को, ये कहां से शुरू हुई है? ये तो प्राचीन काल से आ रही है। इसका नए नियम में रेफरेंस दिया हुआ है, इसको कोड किया गया है। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय का 21 पद पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक व्यर्थ विचार उन्होंने किया कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब इसको आप इंग्लिश में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ खुलासा मिलेगा। बिकॉज वेन वे न्यू एंड रेकग्नाइज हिम एज गॉड, दे डिड नॉट ऑनर एंड ग्लोरीफाई हिम एज गॉड और गिव हिम थैंक्स, बट इंस्टेड दे बिकेम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस इन देयर थिंकिंग विथ वेन इमेजिनिंग्स फूलिश रीजनिंग्स एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस। ये सब प्लूरल है, वेन इमेजिनिंग्स, व्यर्थ विचार यानी व्यर्थ कल्पनाएं। वेन का मतलब व्यर्थ, इमेजिनिंग का मतलब कल्पनाएं। उसके बाद है फूलिश रीजनिंग्स यानी मूर्खतापूर्ण तर्क, और स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस यानी मूर्खता से भरे हुए व्याख्याएं, ये करने लगे। यही है व्यर्थ विचार करने लगे यानी क्या करने लगे, ये भी हमने देख लिया। एंड देयर सेंसलेस माइंड्स, पहले से जो आपका मन था, माइंड था, वो सेंसलेस था, उसमें कोई इंद्री काम नहीं कर रही थी, और वो क्या हुआ, अंधेरा हो गया, बत्ती गुल, मेन लाइन उड़ गई, फ्यूज। मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा प्रिंसिपल बनाया,
और वो छोटा सा प्रिंसिपल आज भी काम कर रहा है। और वो प्रिंसिपल ये है, मसीही जीवन ज्योतिर्मय जीवन है, यानी लाइट जलनी चाहिए। अगर मसीही जीवन आप कहते हैं हम मसीह में हैं, हम मसीही विश्वासी हैं, और आपकी जिंदगी में लाइट नहीं है, तो आप झूठ बोल। प्रमाण चाहिए। आज दुनिया के सामने आप खड़े होकर जितनी भी डींगे मारनी मार लीजिए, जितने बड़े बोल बोलने बोल लीजिए, आप ग्रहण योग्य नहीं होंगे किसी कीमत पे। आप जितना ये सब करेंगे, आप परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बन रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात यह बोली थी, मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर उसने अपने चेलों को संबोधित किया, कहा तुम जगत की ज्योति, यानी वो ज्योति जो मैं हूं वो तुम्हारे द्वारा इस जगत में प्रकट होगी। मसीही जीवन ज्योति से भरा जीवन होना चाहिए। और ये ज्योति आएगी कहां से? परमेश्वर के पवित्र वचनों से। पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को ज्योतिर्मय बनाता है, और ये काम कहां होता है? कलीसिया में। लेकिन एक खतरनाक चीज है, जब आप कलीसिया के बारे में सुनते हैं तो जो आप कलीसिया चुनते हैं, जहां आपका मन लगता है वहां ये काम नहीं होगा। ये वहां होगा जहां आपको परमेश्वर का वचन सुनने में कष्ट हो, जहां बैठने में आपको तकलीफ महसूस हो, जहां जाने का आपका मन ना करे, ये वहां होगा। अब ये आप समझते रहिएगा कि ये क्या चीज है। आज यही समस्या है, ये हमारे धर्म ग्रंथों की मात्रा का नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता का मामला है। ये बाइबल की क्वालिटी, परमेश्वर के वचनों की क्वालिटी का विषय है, मात्रा का विषय नहीं है। आज कलीसियाओं में भीड़ भर रहे हैं, आ तू भी आ जा, 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 वो क्या कह के बुला रहे हैं? सब कुछ देगा प्रभु, सब कुछ देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। यीशु मसीह ने ये वाली बातें क्यों नहीं बोली अपने प्रचार में? अगर बोली होती तो उसी समय भीड़ बढ़ गई होगी। पौलुस ने नहीं बोली, पतरस ने नहीं बोली। जब पतरस पवित्र आत्मा से भर के परिपूर्ण होके खड़ा हुआ और उसने जब प्रचार किया, तो आप देखिए वहां पर लिखा ताली नहीं बजी जैसे आज तालियां बजती हैं। जिस कलीसिया में तालियां बजती हैं वचन को सुनकर, क्या वो सही हो सकता है? विवेक का प्रश्न है। परमेश्वर ने कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली जिस पर ताली बजे। परमेश्वर का आत्मा जब बोलेगा तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय, फिर हम वहीं पे हम लोग टुकड़ों में छोटे छोटे पीसेस में देखते चलेंगे। ये बाइबल जो है ये अपने आप को खुद हमको सिखाती है कि वो क्या है। और 2 अध्याय का 37 वर्स पढ़िए, 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय, इसका मतलब चोट लगी सुनने वालों, ये यहूदी थे सब, सब इजरायली थे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये यहूदियों के लिए निर्देश था, मन नहीं फिराया था, और प्रभु प्रभु करते थे, मन नहीं फिराया था बलिदान करते, मन नहीं फिराया था भेंट देते, मन नहीं फिराया था पर्व के समय हाजिर जरूर होते, मन नहीं फिराते। ये परंपरा थी, उनको परंपरा के विपरीत सुनने को मिला और उनके हृदय छिद गए। यहां पे हृदय क्यों छिदे?
क्योंकि पवित्र पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उनके हृदय के अंदर गया, इसलिए उसने जाके कन्विक्ट किया, हृदय छिद गए। ये एक फ्रेज है, लेकिन इसका मतलब है कि उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा चोट लगी, जो वो मानते थे उनकी धारणाएं झूठी निकली, ये हुआ। अब आपके और हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। जिन पदों को आप अपने संदर्भ में गलत शिक्षकों के संदर्भ, देखिए YouTube भरा पड़ा है प्रचारकों से, लेकिन आप किसको सुनना पसंद कर रहे हैं, यहां पर एक बिग क्वेश्चन मार्क है। आपको वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी भावना और आपकी भावना मिल रही है, आपका और उसका, उसका बोलने का अंदाज और वो जो बातें बोल रहा है, जिस संदर्भ में बोल रहा है परमेश्वर के वचन को, वो आपको भा रहा है। क्यों भा रहा है? जबकि हृदय कन्विक्ट होना चाहिए वचन से, और वचन कन्विक्ट नहीं कर रहा, अच्छा लग रहा है आपको। देखिए, इंजेक्शन लगे और आपको तकलीफ ना हो, ये पॉसिबल है। आपका ऑपरेशन हो और आपको कोई दर्द ना हो, ये क्या पॉसिबल है? हैं? तो आप कलीसिया में आते हैं तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ऑपरेशन का काम करता है, आपके अंदर के मवाद को निकाले और आपको तकलीफ ना हो, क्या ये संभव है? और अगर आपको आनंद आ रहा है तो यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों आनंद आ रहा है? नहीं आना चाहिए। इसीलिए पौलुस के द्वारा भी इन विषयों में बहुत बातें समझाई गई हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी और अब भी इस पर विश्वास करते होंगे कि आप शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना और भाषा के साथ खेलना जानते हैं तो आप बाइबल से जो चाहे कहलवा सकते हैं। ये कहावत है, लोग कहते हैं बाइबल से हम जो चाहे वो बुलवा लें। भाई आप इसको अपने अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के पेश कर दीजिए। कैसे कैसे प्रचार किया जाता है आपको मालूम है? टेक्निकल पॉइंट, एक पद लेते हैं, एक आशीष की बात, प्रभु तुम पर अपना अनुग्रह बनाए रखेगा और तुमको बहुत आशीष देगा तुम्हारे, और एक पद लिखा है कि उसकी आराधना, पुराने नियम में, एकदम पुराने नियम निर्गमन में, कि तुम उसकी आराधना करोगे तो वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा। ये पद ले लिया, फोकस काहे पे है? आराधना पे, और वो तुम्हारे अन्य जल पर। लेकिन आप इसके, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ से बाहर ये प्रचार किया जा रहा, आपको ये अच्छा लगेगा, अरे हम तो आराधना करने जाते हैं। यहां जब लोग आते हैं ना तो उनको आराधना कम, उनको चुभने वाली चीजें ज्यादा मिलती है। अब जिनको आराधना पसंद है तो वो जगह ढूंढेंगे जहां आराधना होती है। आराधना तो रिलीजन, कलीसिया में रिलीजन है, ये तो सुधारने के लिए, परमेश्वर का वचन काहे के लिए दिया गया? सुधारने के लिए। तो सुधरना कोई नहीं मांगता है तो वो रिलीजन वाला कोना पकड़ता है, हम तो आराधना करना है तो वहां कर लेंगे, आराधना ही तो करनी है वहां कर लेंगे। भेद समझिए आप लोग के अंदर मन में क्या है। देखिए हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, कुछ ऐसी बातें जिनसे ये गलत शिक्षा जो झूठी, यानी परमेश्वर के वचन का गलत इंटरप्रिटेशन या गलत व्याख्या, गलत अर्थों में, गलत संदर्भों में उसको पेश करना, इससे हो क्या रहा है? लोगों में उद्धार का काम नहीं हो रहा है, बल्कि लोग रिलीजियस माइंड हो रहे हैं। कलीसियाओं में आज कलीसियाएं रिलीजियस ज्यादा हो गई, जबकि रिलीजन से प्रभु ने निकाला। हम तो पहले रिलीजन में तो थे, हमको प्रभु निकाल कर रिलीजन से सत्य के मार्ग में ला रहा है, तो यहां पर रिलीजन खड़ा कर दिया। यही है भ्रम की आत्मा। सबसे पहली चीज है फिल्टर, ये आज की भाषा है, हमारी भाषा है चश्मा, चश्मा कहते हैं दृष्टिकोण को। लेकिन आजकल आपने देखा होगा लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कुछ लगा लेते हैं तो आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखने लगता है। क्या लगाते हैं? आज के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा उसके बारे में मालूम भी नहीं तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन जो शब्द मैंने बोला वो आज के बच्चों को समझ में आ गया। फिल्टर क्या होता है? अपना वीडियो बनाते समय आप फिल्टर लगा लीजिए, ढेरों फिल्टर मौजूद है,
तो आपका चेहरा जितना चाहो उतना खूबसूरत फोटो आई, लेकिन असलियत जो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता होगा, जो आपसे मिलेगा, असलियत उसको मालूम होगी। बाकी आप ऑनलाइन जब डालेंगे तो लोगों को आप बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, फिल्टर। ऐसे ही कुछ यहां पर भी है। ये चश्मा या फिल्टर ये कैसे काम करता है? एक तरीका जिससे हम अक्सर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की गलत व्याख्या करते हैं वो है फिल्टर, फिल्टर के साथ उसको पेश करना। ये वे बातें हैं जो हमें सिखाई गई हैं और हम मानते हैं कि ये पूर्ण सत्य है, और जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे पहले इन मान्यताओं से गुजरना पड़ता है और उनका समर्थन करना पड़ता है। इस प्रकार फिल्टर, अब हम सभी के पास फिल्टर है, हम उन्हें चश्मा भी कह सकते हैं जिसे हम बाइबल पढ़ते समय पहनते हैं, विशेष लेंस। अब इससे आगे बढ़ने से पहले आपको परमेश्वर के वचन से सत्य अगर मिलेगा तो आपके जीवन में सत्य की ज्योति प्रकट होगी, और अगर उसमें से सत्य नहीं मिलेगा तो आपके जीवन में भ्रम की आत्मा प्रकट होगी, और आप ऐसी हरकतें करने लगेंगे, उछल उछल के गवाही देना और ऐसी बातें, बड़ी बातें बोलना कि आपसे बड़ा कोई, आप सुपर स्पिरिचुअल हो गए। तब समझ जाइएगा कि सर्किट में प्रॉब्लम आ गई है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके ठीक करने से ठीक होगी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइएगा कि जिस दशा में वो गया आपको भी घसीट ले जाएगा। हालेलुया। आपके पास अगर किसी भी डिनोमिनेशन का फिल्टर हो सकता है या चश्मा, इसलिए अगर आप कुछ सुनते हैं जो उस डिनोमिनेशन से मेल नहीं खाता तो आप उसे अस्वीकार कर देंगे। ये डिनोमिनेशन डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, सब डॉक्ट्रिन में प्रॉब्लम क्या है यहां पे आप आके समझिए। ऐसे फिल्टर है जो कहते हैं कि ईश्वर परम प्रेम है इसलिए वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे फिल्टर हैं जो कहते हैं कि ईश्वर क्रोधी है इसलिए वैश्विक स्तर पर दुनिया में जो भी बुरा होता है वो निश्चित रूप से उसके कारण होता है। फिल्टर अच्छे हो सकते हैं अगर वे अच्छे बाइबल सत्य पर आधारित हो, लेकिन वे बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जो सुनते हैं वो फिल्टर टेस्ट में पास नहीं होता और उस विश्वास के साथ हाथ मिलाकर नहीं चलता, तब तक हम उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं भले ही वो वास्तव में सच हो। जब लोग कुछ नया सीख रहे होते हैं और वो उन्हें चुनौती दे रहा होता है तथा उनमें निराशा पैदा कर रहा होता है, तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कुछ वे सुन रहे होते हैं वो एक आंतरिक परीक्षण से गुजर रहा होता है तथा उसे ऐसे फिल्टरों से गुजारा जा रहा होता है जो उसे पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए कि आपके पास एक फिल्टर है जो कहता है कि ईश्वर पूर्ण रूप से संप्रभु है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर पृथ्वी पर होने वाली हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, यहां तक कि कैंसर जैसी बुरी चीजों पर भी। इसलिए जब आपके किसी प्रियजनों को कैंसर का पता चलता है तो वो इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को अपने संप्रभु फिल्टर से गुजर कर समझ लेता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वर ने कैंसर का कारण बनाया है और इसका कोई सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि हर फिल्टर सही नहीं होता और उसे वैकल्पिक दृष्टिकोणों के प्रति खुले दिमाग से प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका तीन अध्याय को 19 पद पढ़िए, नहीं, तीन अध्याय का 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा
और वो मेरे साथ भोजन करेगा। अब एक मिनट रुक जाइएगा। आपने इस वाले पद को बहुत ज्यादा, ये बहुत फेमस पद है, एक गीत भी बना इस पर, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आपको सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है कि क्या इसकी ये सही व्याख्या है? यीशु मसीह क्या किसी के दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है? आपका सन्नाटा बता रहा है कि आपको इसके विषय में कोई निश्चित नहीं मालूम है कि ये क्या सही है क्या गलत। आप बिल्कुल जीरो हैं। और ऐसे लोगों को ही तो शिकार किया जाता कलीसियाओं में। आपको क्या मालूम किस विषय में कहां क्या लिखा है? हम नए नियम की बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट बुक है प्रकाशित वाक्य। अगर हम पुराने नियम से बात करें तो एक बार टफ माना जाएगा, भाई पुराने नियम की ज्यादा जानकारी नहीं, नए नियम में। और ये बहुत फेमस है, यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा, प्रचार करते हैं। क्या ये सही प्रचार है? क्या ये सही अर्थ है? नहीं समझ में आया। ये कौन सा पद आपने पढ़ा? 20 पद। इसका 19 पद पढ़िए। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको उलाना का मतलब क्या होता है? उलाना, कन्वेक्ट करना, कन्वेक्ट करता हूं और ताड़ना भी देता हूं, पनिश करता हूं। मैं जिन जिन से प्रेम, ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ना। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको लाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म और मन फिरा। ये क्यों बोल रहा है? ये उन लोगों से बोला जा रहा है जिन्होंने मन नहीं फिराया। आप कहेंगे अच्छा ये व्यक्तिगत बात नहीं है। इसका 14 पद पढ़िए, ये किससे बोला जा रहा है? ये किससे यीशु मसीह बोल रहा है? कलीसिया से बोल रहा है। किससे बोल रहा है यीशु मसीह? किसके दरवाजे पे खटखटा रहा है? कलीसिया के दरवाजे पे खटखटा रहा है, कलीसिया के अंदर नहीं है। ये लौदीकिया की कलीसिया है, प्रभु नहीं है कलीसिया में, दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, क्योंकि उस कलीसिया में सब गड़बड़ चल रहा, सही शिक्षा नहीं है, मन नहीं फिराया किसी। कलीसिया है, मन नहीं किसी ने फिराया। उनको ये कह रहा है कि मैं तो दोष लगाता हूं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह प्रेम के रूप में दिख रहा है कि क्रोध के रूप में दिख रहा है? कलीसिया को हड़का रहा है और कह रहा है मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं। कलीसिया मगन है आराधना में, मन फिराना चाहिए। आराधना नहीं करनी है, मन फिराना है। प्रभु आराधना के लिए कहां लिखा आराधना करो? नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर सच्चे आराधना करने वाले को, ट्रू वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है, और पवित्र आत्मा हमें ट्रू वर्शिपर बनाता है। और ये कलीसियाएं आराधना करने में लगी हुई हैं। उस काम को उसी समय छोड़ दो जैसे ही तुम्हें पता चले कि ये हम गलत कर रहे हैं। क्यों? ताकि फिर जीरो पे जाओ और एकदम शुरुआत से मन फिराओ। पहला काम क्या है मसीहत का? सबसे पहला पॉइंट क्या है? कलीसिया में प्रवेश आप करते हैं तो आप किस काम के लिए आए? मन फिराने के लिए। जब तक आपका मन पूरी तरीके से, और मन फिराओ एक दिन का काम नहीं है, एक बार का नहीं है, हर विषय पर मन फिराओ, हर विषय पर, हर मुद्दे पर। जब आप वचन जितनी बार सुनेंगे आपको लगेगा अरे ये वाली गलती तो मेरे से हो रही है। मन फिराओ, तो मन फिराओ का एक लंबा समय है आपके लाइफ में, एक लंबा पीरियड गुजरेगा जब आपका मन फिरते 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 आप परिवर्तित होने लगेंगे, आपका हृदय परिवर्तन होने लगेगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। और जो लोग आज आपको देख रहे वो बाद में आपको देखेंगे, कहेंगे ये तो बदल गया, ये तो नया हो गया, नई सृष्टि बनना है हमें, आराधना करने वाले नहीं बनना है, और हमको अपना धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि हमारा जीवन परिवर्तित होना है। हृदय, हृदय का मतलब जीवन से है।
और यहाँ पर वो कहाँ खड़ा हुआ? कलीसिया के द्वार पे खड़ा हुआ है, किसी के दिल के दरवाजे पे नहीं खड़ा। नए नियम में जो कुछ भी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो व्यक्तिगत नहीं है। कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब उस अभिषेक में भागी होते हैं जब वो कलीसिया में। ये अनॉइंटिंग है, ये आपको एकदम, यानी ये संप्रभु नहीं बना दिया आपको कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया, अब आप कोने में खड़े होगा और अपना। ऐसे ढेर सारे, अभी आप धीरे धीरे ये मिस इंटरप्रिटेशन को और समझेंगे। पूर्व कल्पित विचार एक दूसरी चीज है जिससे मिस इंटरप्रिटेशन होता है। ये भी फिल्टर की तरह है या चश्मे की तरह है, लेकिन इस मायने में अलग है कि हमें उनकी पुष्टि करने के लिए दूसरी चीजों को उनके जरिए नहीं चलाना पड़ता है। ये सिर्फ सिद्धांत है जिनके बारे में हम पहले ही सोचते हैं कि वे सही हैं, इससे पहले कि हम उनका विश्लेषण करें। जब आप किसी चीज को देखने से पहले ही उसे सही मान लेते हैं, तो ये एक पूर्व कल्पित विचार है, प्रिजुडिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पहले से अपनी धारणा बना लेना ये सही है। अभी हमने आपको बताया था ना, आप यूट्यूब पे किसी ऐसे स्मार्ट बंदे को स्मार्टली कितने अच्छे तरीके से वो वचन का प्रचार कर रहा है, उसका उसका जो ढंग आपको पसंद आ रहा है, आर्ट ऑफ स्पीच है वो, ट्रेनिंग ही इस बात की करके आया है कि कितने प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। क्या यीशु मसीह के चेले इसी तरीके से प्रचार करते थे? ये आधुनिक युग के लोग ऐसे लोगों को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनके बोलने का ढंग चाहिए, उनको मन नहीं फिराना, उनको पश्चाताप नहीं करना है, उनको अपना हृदय परिवर्तित नहीं होने देना है, उनको तो आराधना करनी और उनको दिल को छूने वाली बातें। ये भावनात्मक लोग होते हैं, भावनात्मक होते हैं। जो रिलीजियस माइंड होते हैं वो इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इमोशन ही उनकी वीकनेस है। मान लीजिए कि आपने पहले कभी पिज्जा हट नहीं गए और उसको पिज्जा हट जाके पिज्जा नहीं खाया। अगर कोई आपसे कहे कि पिज्जा हट स्वादिष्ट है और फिर आप मान ले कि ये स्वादिष्ट है, तो आपके मन में पहले से ही एक धारणा है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी। जब तक आप इसे वास्तव में नहीं आजमाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये सही है या नहीं। आपको उस चीज को अनुभव से जानना पड़ेगा कि इन्होंने तारीफ तो करी है लेकिन आपके हिसाब से वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, जैसी इन्होंने तारीफ करी वैसा है कि नहीं। तो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जरूरी है, हम सभी के पास ये है। लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो मुझे लगता है कि चीजों पर शोध करना और उन्हें सिर्फ स्वीकार करना बहुत जरूरी नहीं है। हमें इसे खुद अनुभव करने की जरूरत है। आप बाइबल की किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुने, अगर आपको उसमें शंका लग रही है वो आपके अंदर आपके जीवन में कैसे फिट होगा, और वो आपको लग रहा कि ये फिट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो आप उस पर खुद अध्ययन कर लीजिए। अगर आपके पास ये काबिलियत नहीं तो आप आकर मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको गाइड करूं, ताकि आपको ये आप फंसने से तो बच जाएंगे। यद्यपि ये ऐसी बात है जिससे हम बच नहीं सकते, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या आने देते हैं और अपने विश्वासों की पुष्टि के लिए समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। अति धारणा यानी एक इतना अति विश्वास जिसको बोलते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उसमें अति नहीं, यही बेस्ट है, ये उसकी अति हो गई, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा सुनने में लगता है। ये वो जगह है जहां हम कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और फिर मान लेते हैं कि ये सब कुछ सिखा रहा है, भले ही ये वास्तव में वो नहीं कहता जो हम मान रहे हैं। किसी भी बात की कल्पना मत करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक बेवकूफ बन जाते हो। जैसा हम आपको अब आपको याद दिलाते हैं, जब हम लोग वर्ल्ड लेवल पे आपके साथ हम शेयर कर रहे थे बहुत पहले,
बहुत पहले की बात है जब वचन को केवल शब्दों में पढ़ा पढ़ा के आपको समझा रहे थे वर्ल्ड लेवल पे, तब उस समय आपने देखा एक डेवलपमेंट हुई थी। जो सुनने वाले और पढ़ने वाले लोग थे जो उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो अपने आप को धर्मी समझने लगे थे। और हम उनको बार बार कह रहे थे कि आपने सुनकर जो धारणा अपने अंदर बैठा ली कि हमसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है, यही अति धारणा है। और वो धीरे धीरे आपको दिखाई दिया कि विकेट गिरना शुरू हो गया जिनमें ये डेवलपमेंट हुआ था। यह अति धारणा है या अपने आप को उन चीजों से, यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो क्षमा करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये ऐसा आप वचन सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते आप अति धारणा में चले जाएंगे, अरे मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने जीवन में एक बात सीखी है कि भ्रम की कोई गुंजाइश ना छोड़ें, सरल व्याख्याओं के साथ सब कुछ स्पष्ट करें। यही वो बात है जो हम बाइबल के साथ करने में विफल रहते हैं। हम कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि उसमें कुछ कहा गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो वैसा ही है, दूसरों को ये व्याख्या सिखाते हैं और स्पष्ट नहीं करते हैं। जब आप पवित्र शास्त्र से निपट रहे हो तो ये मान लेना बेहतर नहीं है, बल्कि खुद को स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करना चाहिए। बाइबल एक बहुत पुरानी किताब है जिसकी भाषा बहुत पुरानी है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसी किताब है जिसके अध्ययन में हमें अतिरिक्त समय लगाना चाहिए तो वो बाइबल ही होनी चाहिए। ये ऐसी पुस्तक नहीं है कि आपने जो जिस भाषा में एक लाइन पढ़ ली और उसको पत्थर की लकीर कर लिया। ये स्टडी बुक है और इसीलिए कलीसिया में सेवक नियुक्त किए गए हैं। ये हर एक को खुद नहीं पढ़नी थी, इसको कलीसिया में सेवक के जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उसके मार्गदर्शन में इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए, वर्णित बनाम निर्धारित, एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, मती रचित सुसमाचार में आइए। यीशु मसीह ने इन बातों को बहुत पहले ही बोल दिया था। मती रचित सुसमाचार उसका जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानता है, ये मिल गया, पांच अध्याय का, ये देखिए व्यवस्था की शिक्षा यीशु मसीह दे रहे थे, उसका 19 पद पढ़िए, पांच अध्याय का 19 पद। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और फिर उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में। अब देखिए, दो शिक्षाएं आपको बता दी हैं। एक वो शिक्षा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना यानी खुद ना मानना और दूसरों को सिखाना, और एक वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को पहले खुद मानेगा, अपने ऊपर अप्लाई करेगा और फिर सिखाएगा। आपको आज कौन से लोग मिल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं और फिर सिखा रहे, या जो अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं फिर दूसरों को सिखाने में लगे?
तो उनके यहां के लोग भी वैसे ही, जो बोगे और जैसा बोगे क्वालिटी भी वही होगी। इसीलिए जो बहुत अनुभवी लोग होते हैं वो सेवक को देख लेते हैं, समझ जाते हैं कलीसिया कैसी। आप किसी सेवक से मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसकी कलीसिया कैसी। जैसा सेवक वैसी कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कहां जाएंगे। तो आप उस सेवक को देख लीजिए, अगर वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है तो उसकी कलीसिया कैसी होगी। आत्मिक रूप पे वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड होगी, वो तो सिर्फ अंधभक्त है उसके पीछे चल रहे। क्या आप अंधभक्त बनना चाहते हैं? आजकल बहुत से लोग अंधभक्ति पसंद करते हैं, किस जो उनको अच्छा लगता है उसके। लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लोग अपने लिए अपने कानों की खुजली के कारण ऐसे ढेर सारे गुरु बटोरेंगे जिनको वो सुनना पसंद करते। कानों की खुजली यानी उनको सुनने की, ये भी एक मनोरोग है उनकी पसंद है कि वो जो बोलते हैं उनका तरीका देखिए आप, उनको वो बहुत अच्छा लगता, उनकी आवाज बड़ी मधुर है। किसी किसी की आवाज अंदर दिल में चोट पहुंचाती है, उनको नहीं सुनेंगे। अब ये बताइए तो पवित्र आत्मा की तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जब इसराइलियों ने दूसरे अध्याय में हमने देखा प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा उतरा पतरस ने प्रचार किया तो सुनने वालों के हृदय छेद गए। आज लोग ऐसे वक्ता को सुनना पसंद करते हैं कि ताली बजानी पड़े, आ क्या बोला क्या बात है। ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें ताली बजाएं कि कोई बहुत बड़ी बात बोल दी। हमने आपके सामने जो कुछ बोला वो यहां से बोला, कि ये हमारी बातें है ही नहीं पहली बात, तो ताली क्यों बजी, क्या बजनी चाहिए। दूसरी बात के पवित्र आत्मा आपसे कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि आप उत्साहित होकर ताली बजाएं। पवित्र आत्मा हमेशा आपसे ऐसी बात करेगा कि आप सुने और आपके मन में इस बात का दोष भावना हो कि ये मैंने गलत किया है, कन्विक्शन जिसे बोलते हैं, और आप मन फिराएं। और अगर आपने मन नहीं फिराया, ऐसी बात पवित्र आत्मा ही कर सकता है, चुभने वाली बातें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि बाइबल कब किसी बात का वर्णन कर रही है, बस किसी बात के बारे में बात कर रही है, और कब वो किसी बात का निर्देश दे रही है, जैसे कि तुम्हें वास्तव में ऐसा करना चाहिए। लोग अक्सर इन दोनों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। हम बाइबल में एक जगह पढ़ते हैं जहां एक निश्चित अभ्यास के बारे में बताया गया है, और फिर उस अभ्यास को दूसरे लोगों पर थोपते हुए कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि पाठ हमें वही करने के लिए कह रहा है? हमें क्यों लगता है कि हमें भी ऐसा करने के लिए कहा गया है? कुछ चीजों का सिर्फ जिक्र किया जाता है, उनका प्रचार नहीं किया जाता है। और जब तक बाइबल में साफ साफ नहीं कहा गया है कि हमें किसी काम में हिस्सा लेना चाहिए, तब तक ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। देखिए, शास्त्रों का संयोजन किसी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त पवित्र शास्त्र या धर्म ग्रंथ का ना होना एक बुरी बात है। मुझे नहीं लगता कि किसी एक धर्म ग्रंथ को पढ़कर उसके आधार पर कोई सिद्धांत बनाना कभी भी अच्छा विचार है। एक धर्म ग्रंथ का मतलब ये बाइबल, बाइबल जो है ये पुस्तकों की पुस्तक है, इसमें छाछक पुस्तकें हैं, तो हर पुस्तक को एक धर्म ग्रंथ बोला गया, इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। तो एक पुस्तक के आधार पर आप पूरी धारणा नहीं बना सकते, एक पद के आधार पर आप कोई धारणा नहीं बना सकते। और एक जैसे हमने आपसे बोला कि हमारे बोला गया कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, हमेशा इनकंप्लीट रहेगी, इसमें आगे की गुंजाइश हमेशा रहेगी। और अगर आपने एक पाठ सुना और अगला नहीं सुना और इससे पहले वाला भी नहीं सुना, तो ये तो आपने वही कर दिया, बाइबल की एक पद निकाल लिया, ना उससे पहले का पढ़ा ना उसके बाद का पढ़ा। ये झूठी शिक्षा का मेन कारण है। किसी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त धर्म ग्रंथ ना होना एक बुरी बात है।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बात को साबित करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का होना भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी बात को साबित करने के लिए हमारे पास जितने ज्यादा शास्त्र होंगे उन शास्त्रों के एक दूसरे से संबंधित होने और वास्तव में हम जो कह रहे हैं उसे सिखाने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। यह आम बात है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाते हैं जो यहाँ से एक शास्त्र लेता है, वहां से एक, उत्पत्ति से एक और प्रकाशित वाक्य से एक, और फिर उन सभी को एक उलझे हुए जाल की तरह जोड़कर अपने सिद्धांत को सिखाने लगता है। आपने ऐसी प्रीचिंग देखी होगी, एक उधर से लिया, एक इधर से, एक एक पद निकाला। आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है, आपको मालूम है कि हर पुस्तक, बाइबल की हर पुस्तक का लेखन काल अलग अलग, एक अलग पीरियड में लिखी गई है, और उसके एक पद के पीछे उसका एक इतिहास है, किस संदर्भ में वो बात कही गई और यहां पे किस संदर्भ में कही जा रही है। आप पद से पद को, संदर्भ को तो मिला रहे हैं, उसके ऐतिहासिक पाठ को कैसे मिलाओगे? झूठी शिक्षा हुई ये, भ्रम, भ्रम की आत्मा कैसे काम करती है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको वचन के ही द्वारा कंफ्यूज किया जा रहा है, एक उधर से उठाया, एक उधर से उठाया। बाहर से देखने पर धर्म ग्रंथों की अत्यधिक मात्रा विश्वसनीय लग सकती है, लेकिन क्या ये धर्म ग्रंथ वास्तव में यही शिक्षा देते हैं? हर समय नहीं। कई बार जब किसी ने मुझे किसी विश्वास को साबित करने के लिए दर्जन या सैकड़ों शास्त्र प्रस्तुत किए हैं, तो मैंने पाया है कि शास्त्र वास्तव में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। वे शास्त्रों को एक साथ जोड़ने और उन्हें फिट करने के लिए इस प्रकार की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस प्रकार की गलत व्याख्या करने वाले लोगों के बारे में आप जो एक चेतावनी देखेंगे वो ये है कि वे आम तौर पर अपने हजारों धर्म ग्रंथों को पढ़कर आपको ये नहीं समझाते, वे केवल उन्हें यानी रेफरेंसेस देते हैं, उनको उद्धृत करना यानी रेफरेंस देना, कि उसको रेफरेंस देते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझ पर 129 शास्त्रों का बोझ डालने के बजाय मुझे 1 से 5 शास्त्रों की व्याख्या करने में समय लगाते हैं। संख्याओं के झांसे में मत आइए, धर्म ग्रंथों में सामान्य ज्ञान की तलाश कीजिए। एक बहुत ही लोकप्रिय बाइबल शिक्षक का कहना है कि शास्त्रों में बताए गए उत्साह को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको 300 से अधिक शास्त्रों की सावधानी पूर्वक जांच करनी होगी। ये एक सच्चा संक्षिप्त उद्धरण है। चलो, किसके पास समय है? यदि इस विषय के बारे में इतने सारे शास्त्र हैं और प्रत्येक की सावधानी पूर्वक जांच की जानी है, तो ये संभव है कि हम सोचें कि शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे शास्त्रों का होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों का होना हानिकारक रूप से गलत है, जो हमारे द्वारा प्रचारित किए जा रहे विषय के बारे में कुछ नहीं कहते। सबसे पहले किसी बात को साबित करने के लिए इस्तेमाल किए गए मुख्य शास्त्रों की जांच करना और उनका विश्लेषण करना सीखें। शब्द खेल, ऐसा तब होता है जब हम बाइबल में अलग अलग शब्दों को लेते हैं और उनका अर्थ पूरी तरह से अलग कर देते हैं। आमतौर पर ऐसा इस तरह से किया जाता है जो व्याख्या के सामान्य ज्ञान के तरीकों का उल्लंघन करता है। ये सचमुच शब्दों के साथ खेलना है, शब्दों की सही गंभीर तरीके से व्याख्या करना नहीं। यहां व्याख्या का कोई वास्तविक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है। इसलिए परमेश्वर का हमें यह धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको एक सही जगह रखा है जहां पे आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सीख रहे हैं और परमेश्वर के वचनों की सही मीनिंग्स आपको मिल रही है। मेरे साथ कुछ पद हम लोग देखेंगे जो आपको मिलेगा। एक पद है
करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में। अब यहां पे देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, एक बिल्कुल साधारण लोगों से बात कर रहे थे। इसमें क्या चीज गौर करने वाली बात क्या है? आप पढ़े लिखे नहीं, आप बाइबल पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, सुन के समझ नहीं सकते। विश्वास सुनने से पैदा होगा कि पढ़ने से पैदा होगा? तो अगर आप गलत व्यक्ति की सुनने लगेंगे तो आपके अंदर गलत विश्वास पैदा होगा, सही व्यक्ति की सुनेंगे तो सही विश्वास पैदा होगा। हां के ना प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत, तो आप किसकी सुनेंगे? नहीं, अब सही व्यक्ति को कैसे भेजे? वेशभूषा की बात की, यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। देखिए सबसे पहले उसने बताया उनका भेष, वो किस भेष में तुम्हारे सामने आएंगे। भेड़ का मतलब मालूम है, मसीह के सेवक के रूप में, एक पास्टर के रूप में आएंगे। खुल के बोल, एक पास्टर के रूप में आएंगे। अब आप ये बताइए, आप पास्टर समझ के आप उसकी सुन लेंगे? और आपने लगातार उनकी सुनी और वो अंदर से, अंतर से वे, आपको अंदर से कैसे पता चलेगा वो अंदर से क्या है? भेड़िया तो अंदर से है, बाहर से भेड़। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक मसीह में, वो देखने में कैसे होंगे? नहीं भेड़ी समझ है, देखने में कैसे होंगे? भेड़। और अंदर से, और इस समय न्यूज में मालूम भेड़िया बहुत टेरर आ रहा है, बहुत खतरनाक। भेड़िया छोड़ता नहीं, शिकारी होता है ना? अब आप देख लीजिए न्यूज में और आप बाइबल में देखिए यीशु मसीह किस चीज से सावधान कर रहा है। हर एक कीमत सुनो, टिपटॉप होकर कोई खड़ा है, वेशभूषा धोखा देगी आपको। सेवक का वेशभूषा ही धोखा है, उसके अंदर तुम झांक के देख नहीं सकते, इतनी समझ है नहीं। अब एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती 15 अध्याय उसका 9 पद, क्यों यीशु मसीह ये बात बोल रहा था। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश के, धर्म यानी परमेश्वर की इच्छा करके सिखाते हैं, मनुष्यों के नियमों को। किस बात को सिखा रहे हैं? कौन सी डॉक्ट्रिन है? मनुष्यों की शिक्षाओं को सिखा रहे कलीसिया में, परमेश्वर की शिक्षा के रूप में। कहां बचोगे? आपके जीवन से रोशनी निकलेगी, बताइए। मैंने एक छोटा सा प्रिंसिपल आपको बताया, कनेक्शन जब तक सही नहीं होगा बत्ती जलेगी, बस ये पकड़े रहिए। आपकी जिंदगी में अगर बत्ती नहीं जल रही है तभी जलेगी जब कनेक्शन सही हो। चाहते कनेक्शन सही हो? कनेक्शन तो वचन से सही होगा, परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन वचन से सही होगा। ये वचन माध्यम है, यही आपका कनेक्शन सही करेगा, बत्ती जलेगी और 100% जलेगी, ये मेरा विश्वास है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 30 पद पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 30 पद। जी तुम्हारे ही बीच में से भी यानी कलीसिया में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खेत खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, इसलिए जागते रहो। फिर कह रहा, अरे यार ये कौन सा जागना है? आत्मिक रूप पे जागृत रहो, स्पिरिचुअली जागते रहो,
और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी कितने साल से 3 वर्ष तक। पौलुस अपनी कलीसियाई सेवकाई का इसका अंत आ रहा है। ये 3 साल तक इसने क्या काम किया मालूम है? 3 साल तक ये किस चीज में बिजी रहा? आंसू बहा बहा कर चेतावनी यानी वार्निंग देना नहीं छोड़ा इसने। हर समय वार्निंग देता रहता था, भैया सावधान रहना, भैया सावधान रहना, भैया जगाने का काम करना, आत्मिक तौर पर जगाना। चेतावनी आत्मिक तौर पर आपको जागृत करती है, क्या सुन रहे हो और किस तरीके से सुन रहे हो। रिजल्ट नहीं आएगा जीवन में। आज इतने लोगों को आप, इतनी कलीसियाओं को इतने बड़े रूप में देख रहे, कहीं पे बत्ती जलती दिख रही है? यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। किसी के जीवन में आपको ज्योति दिखाई हो? जीवन की ज्योति दिखी? क्यों नहीं दिखी? ये बात हम लोग इसमें से देख रहे हैं। वचन बाइबल बता रही क्यों नहीं दिख रही है, क्या हो रहा है। सब अपनी अपनी धार्मिकता की स्थापना हम करने में लगे हुए हैं। एक और लास्ट में पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों चार अध्याय उसका 6 पद, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जो लिखा है जहां पर और तुम्हारा स्तर कहां पे है, अभी लिखा है और तुम ये होगे, और अभी वो तुम उस लेवल पे, यानी तुमने भी कोर्स पूरा नहीं किया, कूद के कहने लगे हमें मिल गया। पौलुस तो सारी जीवन की सेवकाई में अपने कहता है मैं ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, बरन लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, सब चीजों को पीछे छोड़ दिया। पौलुस तो अभी लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कर रहा है, मैं तो अभी दौड़ रहा हूं, मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ रहा हूं मसीह। और आजकल के लोग तो बस 3 साल 10 साल में पड़ गया, मिल गया, बत्ती जली दिखाई दी, ड्यूटी गवाई। थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित मान समर्थ परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम और अद्भुत अनुग्रह के लिए। प्रभु आपके अद्भुत वचनों के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने इन वचनों के द्वारा हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा रखा है जो आज के लोगों के लिए रहस्यमयी है, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन रहस्यों को हमारे जीवन में खोलता है जब हम अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकाशित हो, हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो, लोगों को हमारे जीवन में सच्ची ज्योति दिखाई दे, ताकि उसकी महिमा का प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट हो और उसका नाम महिमान्वित हो। आदर और महिमा हम आपको देते प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।